क्राइस्ट चर्च द्वारा शास्त्री चौक पर चर्च के सामने बने दुकानों के ऊपर बिना परमिशन के 46 दुकानें बनाए जाने पर जीडीए के द्वारा बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया, जिसके संबंध में जीडीए के अधिशासी अभियंता मुकेश अग्रवाल ने बताया कि शास्त्री चौक पर क्राइस्ट चर्च के फादर जी आर लाल द्वारा पूर्व में निर्मित दुकानों के ऊपर दोबारा 46 दुकानें बनाई जा रही थी और अक्टूबर में यह दुकानें बनना शुरू हुई, जिसका चालान कर दिया गया और काम चालू रहने पर सील किया गया, लेकिन सील होने के बाद भी कार्य जारी रहा, जिसको देखते हुए बिना परमिशन के बन रही दुकानों को जेसीबी के माध्यम से तोड़वाया गया। वहीं इस संबंध में क्राइस्ट चर्च के फादर जी आर लाल ने बताया कि यह अवैध अतिक्रमण नहीं है, इसका नक्शा जमा है, लेकिन जीडीए के द्वारा नक्शा पास करने के लिए 4 करोड़ रुपए मांगा जा रहा है, लेकिन चर्च के पास इतना पैसा नहीं है और जीडीए ने बिना कोई नोटिस दिए ऑर्डर पास कर दिया है इसको तोड़वाया जाए, जिसको देखते हुए ऑर्डर के अगेंस्ट हम कमिश्नर के पास गए और कमिश्नर के द्वारा 22 मार्च को हमको तारीख दिया गया था, लेकिन कमिश्नर 22 मार्च को ऑफिस नहीं आए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए के अधिशासी अभियंता मुकेश अग्रवाल क्राइस्ट चर्च के फादर जी आर लाल ने कहा, थोड़ा संभाल के तोड़ो बाबू, ऊपर मत गिरे अपने। अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, अवैध अतिक्रमण नहीं है, इसका नक्शा जमा है, लेकिन पैसे की डिमांड इतनी ज़्यादा है, 4 करोड़ रुपया जीडीए के अधिकारी मांग रहे हैं, जो चर्च देने के योग्य नहीं है, और इसके लिए इन्होंने बिना कोई नोटिस दिए इसके ऑर्डर पास कर दिया कि इसको डिमोलिश किया जाए। उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम गए कमिश्नर के पास, उस ऑर्डर के अगेंस्ट कमिश्नर ने हमको 22 तारीख डेट दी थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में कल उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन ये सूचना जो है जीडीए में है कि इसका अपील किया गया है, और जब अपील कोई होती है तो बिना उसके निस्तारण के कोई एक्शन नहीं लिया जाता। धन्यवाद। शास्त्री चौक पर मिस्टर लाल द्वारा अवैध रूप से पूर्व में निर्मित दुकानों के ऊपर पुनः 46 दुकानें बनाई जा रही थी, माह अक्टूबर में ये दुकानें प्रारंभ करी, जिसका चालान कर दिया गया था, दुकानें प्रारंभ रहने पर इनको सील किया गया, लेकिन सील करने के बाद भी कार्य में प्रगति रही, कार्य की प्रगति होने की वजह से इनका माह फरवरी में डिमोलिशन ऑर्डर पास करने के बाद आज डिमोलिशन ऑर्डर क्रियान्वयन किया जा रहा है।